हेलो फ्रेंड्स एंड लीडर, नमस्कार। मैं संदीप गंगवार, आपका दोस्त और आपका होस्ट, आप सभी व्यूअर्स का अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जो हम लोगों का आज का एक स्पेशल सेशन है। दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आज हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं वो है मोबाइल पे रेवोल्यूशन के बारे में। और हम लोग आज के इस डिजिटल समय में इस मोबाइल पे रेवोल्यूशन के बारे में आज आप सभी लोगों के जो भी सवाल हैं आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान और जो गेस्ट हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ट्रेनर और मोबाइल पे में एक बड़े लीडर हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों के जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के वो यहाँ पर जवाब देंगे। वो हेलो अपेक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड CEO हैं। आज मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हैरी सर को। आइए हम सभी लोग जो हैं हैरी सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, हैरी सर। थैंक यू वेरी मच संदीप गंगवार जी, आपका और जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे स्पेशल सेशन में आने के लिए। और आज का जो सेशन, जैसे कि संदीप गंगवार जी ने बताया कि बहुत ही खास रहने वाला है। और हम लोग आज मोबाइल पे रेवोल्यूशन, जो कि क्रांति है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सवालों के जवाब हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं अपने लिखकर मेल पर, कुछ लोगों की मेल आई है, कुछ लोगों के दोस्तों जैसे कि व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे क्वेश्चन से, उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने लिए हैं, उसके एक एक करके आंसर देंगे। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा संदीप गंगवार जी को। व्यूअर्स, आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसमें से कुछ खास सवालों के जवाब मैं हैरी सर से लेना चाहूँगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है डिजिटल इनकम का और ऑनलाइन इनकम का। हैरी सर, मैं जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये ऑनलाइन और डिजिटल इनकम आखिर है क्या? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दर्शकों, आप सभी लोगों का। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, क्या था कि पहले अक्सर लोग क्या करते थे, सारे ऑफलाइन जॉब्स पर या बिजनेस पर डिपेंड थे। और वो क्या करते थे कि एक्टिवली किसी भी ऑफिस में जाते थे या पर जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे थे वहाँ पर वो अपना समय देते थे, और समय के बदले में जो उनको इनकम मिलती थी उसे हम लोग ऑफलाइन इनकम बोलते थे। आजकल क्या हो गया दोस्तों कि आप सभी लोग घर बैठे बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन इनकम करने के, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, और बहुत सारे डिफरेंट इस प्रकार के सोर्सेज हैं जिसका आप यूज करके घर बैठे ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। और पार्ट टाइम लोग आपसे काम करवाते हैं और उसके बदले में आपको इनकम देते हैं, मतलब कि आप लोगों का जो इनकम होता है, जितना भी आपका जनरेट की अर्निंग होती है वो आपको रिसीव हो जाती है। तो ऑनलाइन इनकम का मतलब ये है दोस्तों, जो भी वर्क हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से करते हैं उसे उस मेहनताना को हम लोग ऑनलाइन इनकम या फिर ऑनलाइन अर्निंग कह सकते हैं। थैंक यू सर कि आपने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को ये सारी बातें बताई। एक क्वेश्चन और भी है कि डिजिटल इनकम ऑनलाइन इनकम तो होती है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, जैसा कि सवाल आया है, कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है मोबाइल पे के अंदर। ओके, मतलब इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। और मोबाइल पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपार इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो आप वर्क करते हैं एक्टिवली जो भी आप वर्किंग प्लान के अंतर्गत करते हैं और जो भी आपको वहाँ से इनकम जनरेट होती है या फिर आपकी अर्निंग होती है उसे हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। जैसे आपने 6 महीने का समय दिया और 6 महीने में जो भी आपने पर आवर्स के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है या फिर जितना आपने वर्क किया उस हिसाब से आपको इनकम मिलने वाली है उसे हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। मतलब टाइम इक्वल टू मनी, जो टाइम इक्वल टू मनी है वो एक्टिव इनकम है। और मोबाइल पे में क्या है, आपको क्या करना है, CUG बिल्ड करनी है। अगर आप जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबाइल पे का जो कार्ड है उसके बारे में अवेयर करेंगे और आपको पर कार्ड पर जो इनकम लगातार जनरेट होने वाली है और जो एट द टाइम ऑन स्पॉट जो आपको रिसीव होती है उसे हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम के बारे में, जैसे ऑनलाइन इनकम के बारे में हम लोगों ने अभी सवाल आया था आप लोगों का, उसका मैंने आंसर दिया है। जो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से और घर बैठे और कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग इनकम करते हैं उसे हम लोग पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं और एक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं। पैसिव इनकम का मीन ये है कि जब आप एक बार वर्क करके छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया, उसके बाद में फिर आपने आगे काम नहीं किया, उसके बाद में जितना भी आपका नेटवर्क है या फिर जो भी आपने वर्क किया जब वो मल्टीपल होता है,
कह सकते हैं जो जब वो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी बनाई गई टीम या फिर आपका बनाया गया सीयूजी जब वर्क करता है तो वहां से जो आपको इनकम रिसीव होती है और लगातार हर महीने रिसीव होती रहती है उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों के पास में एक बहुत बड़ा मौका है कि आप मोबाइल पे के अंतर्गत पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हजारों में नहीं, ये लाखों में हो सकती है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से हम लोगों को बताया और हमारे व्यूअर्स ने इसको जाना। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मोबाइल पे के अंदर जो पैसिव इनकम का सोर्स है वो क्या है? मोबाइल पे जो है हमें जो पैसिव इनकम देता है उसका सोर्स क्या है? ओके दोस्तों, जो मोबाइल पे में आप लोगों को इनकम मिलने वाली है अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं, वो कैसे मिलने वाली है जैसा आप सर जी ने क्लियर किया है, संदीप गंगवार जी ने, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को जो मोबाइल पे में इनकम जनरेट होती है उसके दो तीन माध्यम हैं। पहला दोस्तों माध्यम जो है वो कार्ड है हमारा, रुपए कार्ड, जो कि भारत सरकार जिसको प्रमोट कर रही है उसी कार्ड को हम लोग मोबाइल पे के माध्यम से उसको प्रमोट कर रहे हैं। और मोबाइल पे दोस्तों जल्दी UPI उनको मिलने वाला है और UPI जब मिल जाएगा तो हम लोग आप लोगों को जो इनकम वहाँ से जनरेट होती है वो भी बढ़ाने वाले हैं, वो आपकी और ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों जो सोर्सेज हैं, जैसे सर ने पूछा है कि पहला जो सोर्स है कि हमारा मोबाइल पे का कार्ड है और दूसरा हमारा है एफिलेट, जो वहाँ पर कंपनियाँ हैं वहाँ पर जब भी आप कुछ खरीदारी करते हैं तो आपको इनकम जनरेट होती है। तीसरा हमारा मोबाइल रिचार्ज का पोर्टल है, डीटेल रिचार्ज का पोर्टल है, और इसके अलावा दोस्तों वाउचर्स वगैरह अवेलेबल है जिससे आप लोग इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। सर मैं यहाँ पर एक सवाल और भी है हम लोगों का कि मोबाइल पे के अंदर जो इसका फ्यूचर है, जैसे कि आपने बताया क्योंकि ये डिजिटल इनकम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मोबाइल पे का फ्यूचर क्या है? 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल पे का 2025 तक का क्या फ्यूचर रहने वाला है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स आपका और संदीप गंगवार जी आपने जो पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को ये इसके जानना भी चाहिए कि जिस सिस्टम में हम लोग आ रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, मोबाइल पे एक ई कॉमर्स कंपनी है, एक ई कॉमर्स सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। ये मैं अगर बात करूँ 2025 की, जैसे सर ने 2025 के ईयर को काउंट किया है कि वहाँ तक क्या होने वाला है, तो दोस्तों मोबाइल पे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, भारत का एक सबसे बड़ा सिस्टम, एक ब्रांड बनने जा रहा है जो कि आप लोगों को पेमेंट गेटवे, जैसे आप लोग मोबाइल पे के अलावा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं और मोबीक्विक पे भी आपने नाम सुना होगा, इनको जैसे ऑपरेट करते हैं, तो इन सबको पिछाड़ देने वाला दोस्तों ये एक सिस्टम है। 2025 में अगर मैं इसका एस्टिमेशन लगाऊं तो दोस्तों इन सबसे ये आगे होगा, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट सर्विसेज देने वाला और एक बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी देने वाला एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा UPI के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों UPI आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, आपने UPI के माध्यम से वैलेट टू वैलेट भी ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे RBI की गाइडलाइन के अनुसार अब एक वैलेट से दूसरे वैलेट में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा, जैसे अगर आप PTM यूज करते हैं, अगर मोबाइल पे के वैलेट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं ऐसी, और अगर आप फोन पे के वैलेट में भेजना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक लाइसेंस होता है जिसका नाम है PPI लाइसेंस। दोस्तों हमारा जो सिस्टम है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सारी PPI लाइसेंस होल्डर्स होती हैं और हम लोगों को भी 2021 में ही दोस्तों PPI लाइसेंस मिलने वाला है। जैसे हमारा PPI लाइसेंस आ जाएगा उस दिन दोस्तों हम लोग इक्विवेलेंट टू अदर कंपनी, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नाम आपने सुना है, उनके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वो सारी सर्विसेज देने वाले हैं जो कि अदर कंपनी में आपको मिल रही है। और जो इसमें खास चीज़ जो उनसे बढ़कर होने वाली है कि आप गूगल पे, फोन पे को जब यूज करते हैं तो सिर्फ आपको ऑनलाइन सर्विसेज ही मिलती हैं, लेकिन आप मोबाइल पे में जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको हम लोग ऑफलाइन शॉपिंग के लिए कार्ड दे रहे हैं जो कि मोबाइल पे रुपए कार्ड है। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपके पास में ऐप नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप हमारा कार्ड ले जाइए और कार्ड से आप कार्ड को स्वाइप करके वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक अलग से फीचर आ रहा है और इसके अलावा 10-12 और भी नए नए फीचर हैं जो कि बाकी कंपनियों में नहीं है और हम लोग यहां पर आपको देने वाले हैं। इन सब बातों को समझते हुए हम कह सकते हैं कि 2025 में हमारा जो ये मोबाइल पे सिस्टम है ये बाकी कॉन्सेप्ट से बहुत आगे जाने वाला है। अच्छा, तो आपने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर हम अपने खर्चों से अर्निंग करते हैं। एक सवाल जो है वो अब काफ़ी आया है मेरे पास कि ये DDO क्या है, कि ये DDO की पोस्ट क्या है और ये मोबाइल पेमेंट किस तरह से काम करता है। ओके दोस्तों, एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है मोबाइल पे में जिसका नाम है DDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों अगर आप एक यूजर हैं, अगर अपने आप को यूजर से प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप सिस्टम में काम करना चाह रहे हैं और CSR करना चाह रहे हैं तो आप DDO बन सकते हैं। और आपके एरिया में अगर वैकेंसी होगी वहाँ पे DDO की तो आप अपने एरिया के DDO बन सकते हैं। और DDO का जो रोल रहने वाला, जो वर्क रहने वाला है वो क्या है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट में वर्क होगा, बिजनेस होगा,
उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, रखनी होगी। आपको जितने भी कार्ड्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि हमारा ऑफलाइन रुपए कार्ड का रोल है और उसमें क्या होता है कि आपको अर्निंग भी होती है और ऐप का भी यूज होना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो एक समझिए कि सब ब्रांच के रूप में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ सकते हैं और DDO की आपकी डेजिग्नेशन रहेगी। किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आती है, चाहे कार से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ को लेके हो, तो दोस्तों वो जो रोल होगा, जो काम होगा, वो DDO का रहेगा। तो आपको दोस्तों वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर बढ़ने वाली है। आपको वर्क मिलेगा और आप डिस्ट्रिक्ट के एज ए किंग के रूप में वहाँ पर काम कर सकते हैं। जी हैरी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि इस पोस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है मोबाइल पे के अंदर। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा जो हमारे सारे व्यूअर्स का है कि अगर देखा जाए कि अगर कोई यूज़र सिर्फ यूज़र बन के आता है तो उसे वो कौन कौन से ऐसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। वो सिर्फ यूज़र बन के यहाँ पर रहना चाहता है, वो UG या कुछ मतलब आगे नहीं, वो सिर्फ एक एज ए यूज़र बन के रहना चाहता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी यूजर्स हैं, जो अदर जितने प्लेटफॉर्म्स के, गूगल पे के हों, PayTM के हों, या फिर फोन पे हों, या MobiQuick हो, दोस्तों इनके अगर आप यूजर्स हैं और आप मोबाइल पे के यूजर बनना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहता है जैसे कि आप अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आप यूजर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पहले समझ लेनी होगी। अगर आप मोबाइल पे के यूजर बनना चाहते हैं तो आपको एक रेफर कोड चाहिए होगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है जो मोबाइल पे में काम कर रहा हो, चाहे आपका दोस्त हो, या फिर आप YouTube पर जाकर या फिर कंपनी में डायरेक्ट संपर्क करके रेफर कोड ले सकते हैं, उसके बाद में ही यूजर बन सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन संदीप गंगवार जी ने किया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम लोग एज ए फ्री यहाँ पर जुड़ते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 3-4 बेनिफिट हैं जो आप अभी ले सकते हैं और उसके बाद जब PP आने वाला है तो वो सारी सर्विसेज में आपको मिलने वाली है जो आपको अदर प्लेटफॉर्म्स में मिलती है। अभी दोस्तों मेन जो बेनिफिट्स हैं, आप मोबाइल के रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, वाउचर्स किसी भी कंपनी के परचेज कर सकते हैं, और दोस्तों जो मोबाइल पे के पॉइंट्स मिलते हैं उनका यूज करके आप वाउचर्स ले सकते हैं और उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक मॉल है, मोबाइल पे मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे एफिलिएट्स बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे शॉपिंग वहाँ पर एफिलिएट्स कंपनियाँ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर वहाँ पर कोई भी शॉपिंग करता है तो आपको डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो आपको कोई कमीशन जनरेट नहीं होता। अगर आप मोबाइल पे के माध्यम से अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और कुछ भी परचेज करते हैं तो दोस्तों हम लोग को जो भी रिसीव होता है उसका 20% हिस्सा हमारे यूजर को जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और यहाँ पर आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी लोगों को ये बताया और मैंने इसमें सुना है कि इसमें जो है 15 से ऊपर इनकम ऑफ सोर्स है, करीब मैंने सुना है 18 से 19 इनकम ऑफ सोर्स है जिसके थ्रू, मोबाइल पे के थ्रू हम जो है इनकम कर सकते हैं। तो एक जो अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इसमें मंथली कितनी इनकम की जा सकती है मोबाइल पे के थ्रू, हमारे जितने भी ये सोर्स हैं उसके थ्रू हम मंथली कितनी इसमें इनकम कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे व्यूअर्स का और संदीप गंगवार जी आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मोबाइल पे एक उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ एक सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है जिसके साथ में आप जुड़कर अपने आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने आप को जनरल लेवल से एक बड़े लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम की, सभी लोगों का दिमाग में ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्राइक करता है कि आखिर मैं कितना कमा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के एफर्ट्स पर और मेहनत पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ। अगर आप मेहनत के साथ में जो भी आपको बताया जाता है आपके लीडर के द्वारा, अगर उसको फॉलो करते हुए आप करते हैं, केवल आप 6 महीने से लेकर 1 साल आप मोबाइल पे में देते हैं, तो आपकी जो एस्टिमेटेड इनकम है लगभग दोस्तों 50,000 से लेकर 2-2.5 लाख या 5 लाख तक भी हो सकती है। दोस्तों ये आपकी वर्क परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कॉमनली कितना भी कम हो दोस्तों, अगर आपने फॉलो किया अपने लीडर को, जो भी आपके स्पॉन्सर है, तो आप कम से कम 50,000 या फिर उससे ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये टोटल इनकम जो जनरेट होती है हमारे एक्सपेंसेज पर है और जितनी CUG हमने खड़ी करी है उनके एक्सपेंसेज पर है। जितना आप अच्छे से लोगों को अवेयर कर सकते हैं मोबाइल पे कार्ड के बारे में, मोबाइल पे दोस्तों ऐप के बारे में, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम हो सकती है। एस्टिमेटेड इनकम दोस्तों जो है, जो कि हमारे अभी टॉप लीडर्स हैं जो अर्न कर रहे हैं, कोई 50,000 अभी कर रहा है, अभी PPL लाइसेंस आया भी नहीं है, कोई 1 लाख रुपये प्रति महीना उठा रहा है, तो दोस्तों ये इनकम का साइज जो है ये CUG पर डिपेंड करता है और कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आने वाली है दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों आप मिनिमम मान के चले कि अगर आप इन्हें 1 साल दिया तो 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में आपकी इनकम हो सकती है।
तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पे मंथली जो इनकम हो सकती है वो काफी अच्छी हो सकती है, और ये इनकम एक पैसिव इनकम है जिसे आप घर पर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो सभी ने सबसे ज्यादा पूछा है, अच्छा, वो ये है कि हमें मोबाइल पे क्यों करना चाहिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आपको कोई जॉब करने जा रहे हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्यों करने जा रहा हूँ, वाई। वाई जो होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आप वाई को जानना चाहते हैं तो उस कंपनी का जो मिशन है, विजन है, उसको आपको जानना चाहिए। अगर आप उसको समझ गए कि हम कंपनी का मिशन और विजन क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो मोबाइल पे का जो विजन है, विजन की बात करूंगा मैं कि दोस्तों वो क्या है कि हम लोगों को ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करना है। जैसे कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा पेपाल का, गूगल पे का, अमेजन पे का, उस स्तर पर दोस्तों हम लोगों को काम करना है। तो दोस्तों इतने बड़े विजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और दोस्तों हमारा सिर्फ पेमेंट गेटवे ही नहीं होगा, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग मॉल लेके चल रहे हैं, वैसे हमारा इतने बड़े लेवल पर मोबाइल पे मॉल भी डेवलप होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा विजन है। अब मैं मिशन की बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो मिशन क्या है, जितने भी हमारे साथ में यूजर्स जुड़ रहे हैं उनको 100% सेटिस्फाई करना, और दोस्तों आपके ही खर्चों पर आपकी इनकम जनरेट करना, ये हमारा मिशन है। और यहाँ पर दोस्तों लाखों लोग आके अपने आप को डेवलप करेंगे, और लाखों लोग यहाँ पर एक मेन इनकम का सोर्स जो है उनका होता है अपने घर का, तो दोस्तों वो मोबाइल पे होने वाला है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि क्यों करना चाहिए, इसका रीजन क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कुछ और पॉइंट्स में। वैसे तो मिशन और विजन सफिशियंट है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है यहाँ पर आने के लिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार का आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको किसी कोई आपको कुछ कहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है, जीरो लायबिलिटी है दोस्तों, और जीरो ही इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों ये बड़ी चीज़ है जो हमारे खासियत है हमारे सिस्टम की, वो है नो सेल। आपको किसी प्रकार कोई सेल नहीं करनी है, किसी प्रकार के कोई भी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना है, ना आपको सेल करनी ना रिकमेंड करना। ऐसा दुनिया का इकलौता सिस्टम दोस्तों जहाँ पर कोई सेल नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है दोस्तों। उसके साथ में आपको जुड़कर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इससे बड़ा क्यों का कोई आंसर नहीं हो सकता। जी थैंक यू सो मच हैरी सर कि आपने हम सभी लोगों को, हमारे जितने भी व्यूअर्स थे उन सभी लोगों को इतनी अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट, जितने आप सभी लोगों के व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे उनके जवाब दिए। थैंक यू सो मच मैं करना चाहूँगा दिल से, और थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगा इस मोबाइल पे प्लेटफॉर्म को, इस मोबाइल पे परिवार को, जहाँ पर हम लोग इस तरह के सेशंस जो हैं फ्यूचर में भी लाएंगे, जहाँ पर आप सभी लोगों के सवाल होंगे और हम सभी लोग वहाँ पर आप लोगों के जवाब देंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस न्यू सेशन के ऊपर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और ये रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को आता रहेगा। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम लोग इस जो भी खास क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग आपकी आवाज़ बनाकर जो है इस मोबाइल पे में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू आपको दिए जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे शेयर करिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे जो है नोटिफिकेशन के जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, लाइक करिए, और अपने बेहतरीन जो कमेंट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो यहाँ पर जरूर दें, ताकि हम लोगों को फीडबैक मिल सके और इस तरह के जो स्पेशल सेशन है हम लोग और ऑर्गेनाइज आगे भी कर सकें। थैंक यू सो मच हैरी सर, थैंक यू सो मच ऑल, God bless you and happy learning. Happy learning.